टूर। तो हमारी चाइल्ड डेवलपमेंट की क्लास है और टॉपिक का नाम है इंडिविजुअल डिफरेंसेस। सभी ने बीएड में पढ़ रखा है इंडिविजुअल डिफरेंसेस, यानी कि व्यक्तिगत भिन्नताएं, बहुत इंपॉर्टेंट है। अब इसमें हम क्या क्या देखेंगे? देखेंगे इंडिविजुअल डिफरेंसेस क्या होते हैं, उसकी डेफिनेशन क्या होती है, कितने टाइप के होते हैं, फिर आइडेंटिकल ट्विन्स के बारे में देखेंगे, यानी कि ट्विन्स को जुड़वा बच्चों के बारे में देखेंगे। उसके बाद एजुकेशनल इम्प्लीकेशन इसमें हम देखेंगे। तो हमने बात की थी पहले, सबसे पहले कि हर व्यक्ति जो है वो सभी जो है अलग अलग होते हैं, यानी कि सभी के जो है इंटरेस्ट अलग हो सकते हैं। ठीक है, किसी का हो सकता है किसी को खाने में पनीर पसंद हो और किसी को हो सकता है दही बहुत पसंद हो। ठीक है, तो किसी को पनीर पसंद नहीं हो सकता है, तो मतलब ये नहीं कि सभी के क्या है अपने अपने इंटरेस्ट है। अब ये जो इंटरेस्ट है ये हमारी जो पर्सनैलिटी है उसको बनाते हैं। ठीक है, हमारी जो पर्सनैलिटी है उसको डिवेलप करते हैं। इसके जो है दो कारण हैं। फर्स्ट हम कहते हैं, फर्स्ट जो है वो है हेरिडिटी, यानी कि आनुवांशिकता। ठीक है, जो हमारे पेरेंट्स से हमें मिलती है। तो हमारी पर्सनैलिटी को डिवेलप करने में आनुवांशिकता भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है, जो हमें इनबोर्न होती है और पेरेंट्स के द्वारा जो है चाइल्ड को दी जाती है। ठीक है, सेकंड है एनवायरनमेंट। एनवायरनमेंट यानी कि आपका वातावरण, कि आप जिस भी वातावरण में रह रहे हैं, ठीक है, जो भी आपके आसपास के लोग हैं, जो भी आपकी सोशल डेवलपमेंट हो रही है या फिर आपकी जितनी भी फिजिकल डेवलपमेंट हो रही है, उसमें आपके जो भी डिफरेंसेस आ रहे हैं, आप सोसाइटी को देखने का आपका नजरिया, या फिर आपके जो भी आपको कौन सी चीजें पसंद आ रही हैं कौन सी नहीं आ रही है, इसका आपके एनवायरनमेंट का भी बहुत जो है फर्क पड़ता है। बहुत ज्यादा जो है इंडिविजुअल डिफरेंसेस में रोल रहता है आपके एनवायरनमेंट का भी। क्लियर है दो चीजें कि हमारी पर्सनैलिटी को जो फॉर्म करती हैं वो कौन कौन सी चीजें हैं, आनुवंशिकता और वातावरण आपका। मैम एक बार रिपीट कर दीजिए प्लीज। मैंने कहा कि इंडिविजुअल डिफरेंसेस मतलब यानी कि व्यक्तिगत भिन्नताएं, कि सभी व्यक्ति जो है सेम नहीं है। मैम किसी का माइक ऑन है, प्लीज बंद कराइए। शर्मा माइक ऑफ करो। नीति, ओके ठीक है। तो हमने कहा हेरिडिटी और एनवायरनमेंट जो है वो दोनों जो है इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं आपके, आपको आपकी पर्सनैलिटी को बनाने में। ठीक है, हेरिडिटी का मतलब है जो आपके पेरेंट्स से आपको मिलती है, इनबॉर्न आप में होती है। ठीक है, और एनवायरनमेंट यानी कि जिस वातावरण में आप रह रहे हैं, आपके आसपास का जो माहौल है वो इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है आपको आपके इंडिविजुअल डिफरेंसेस क्रिएट करने में। ठीक है, कि हर व्यक्ति जो है वो अलग है, ऐसे नहीं है कि सभी व्यक्ति जैसे हैं। हो सकता है, मैंने कहा कि किसी के कुछ और इंटरेस्ट है, किसी को डांस पसंद है मान लो, किसी को रीडिंग्स पसंद है। ठीक है, तो सभी जितने भी व्यक्ति हैं वो कोई भी जो है सेम इंटरेस्ट वाला फुली अगर हम 100% बात करें तो वो नहीं होता। चाहे ट्विन्स ही क्यों ना हो, लेकिन 100% तो कोई भी नहीं होता, 99% हो भी सकता है लेकिन 100% नहीं होता है। ठीक है, तो वो होता है आपके इंडिविजुअल डिफरेंसेस। इस पे अलग अलग जो है थिंकर्स ने जो है बात कर रखी है। ठीक है, सबसे पहले हम देखते हैं जेम्स के बारे में। किसी किसी का माइक ऑन है, प्रिया। सबसे पहले हम बात करते हैं जेम्स की। तो जेम्स बोलते हैं कि जो इंडिविजुअल डिफरेंसेस हैं वो क्या है। ठीक है, वो मानते हैं कि कोई भी व्यक्ति
ठीक है, कोई भी व्यक्ति या कोई भी ग्रुप जो है उसमें फिजिकल और मेंटल करेक्टर जो है उसका, मेंटल करेक्टर जो है वो उसकी जो एवरेज रहती है वो सबके अलग अलग रहती है, ठीक है। यानी कि ये इक्वल नहीं मानते हैं, वो कहते हैं चाहे कोई व्यक्ति हो या फिर कोई भी, मतलब यानी कि कोई पर्सन हो या फिर कोई ग्रुप हो, उन सभी की फिजिकली और मेंटली करेक्टर की जो एवरेज है वो सबके अलग अलग रहती है, उसमें डिफरेंस पाया जाता है और वही जो है इनके अकॉर्डिंग जो है इंडिविजुअल डिफरेंसेस होते हैं। तो ये जेम्स का मानना है, ठीक है। अब इसके बाद सेकेंड थिंकर है हमारे टाइलर, टाइलर। तो टाइलर क्या कहते हैं कि हर व्यक्ति के अपनी अलग एबिलिटीज रहती हैं, कोई भी अगर वो मूवमेंट्स कर रहा है, जितनी भी उसकी गतिविधियां हो रही हैं उसमें क्या है अपनी उसकी एबिलिटीज हैं, सभी की इंटेलिजेंस जो है वो अपनी है, ठीक है, अलग अलग है। फिजिकली जो है हर व्यक्ति जो है अलग है, ठीक है। अचीवमेंट्स सभी व्यक्ति की जो है वो अलग है, अगर किसी भी उपलब्धि को पाता है वो सबकी अलग है, एक जैसी नहीं होती सबकी, ठीक है। नॉलेज सभी का अपना अपना अलग है, ठीक है। एटीट्यूड जो है वो सबका, यानी कि नजरिया जो है वो सभी का अपना अपना है। तो ये सब चीजें जो है ये किसमें आती है, अब ये आते हैं इंडिविजुअल डिफरेंसेस में अकॉर्डिंग टू टाइलर। अब टाइलर ये भी कहते हैं कि इनको जो है हम क्या कर सकते हैं, मेजर भी कर सकते हैं, ठीक है, हम इनको माप सकते हैं। अब किसी की इंटेलिजेंस को मापना हो मान लो, ठीक है, मेजर कैसे करेंगे, मेजर की अगर हमने बात की कि हम इन सबको माप सकते हैं, अब कैसे माप सकते हैं, अगर हम इंटेलिजेंस की बात करें, इंटेलिजेंस को, इंटेलिजेंस होगी इसको माप सकते हैं, हाइट है जैसे उसको हम मेजर कर सकते हैं, वेट है उसको हम मेजर कर सकते हैं, पर्सनैलिटी है उसको जो है हम मेजर कर सकते हैं, ठीक है। अब इंटरेस्ट है उनको भी हम मेजर कर सकते हैं। अब देखिए इंटेलिजेंस की अगर मैं बात करूं तो कैसे मेजर कर सकते हैं, आईक्यू के थ्रू जो है मेजर होती है, ठीक है। अगर हम बात करें 90 to 110 की अगर बात करते हैं तो मतलब वो एवरेज है, किसी का आईक्यू लेवल अगर 90 से 110 के बीच में है तो वो औसत है, यानी कि वो एवरेज में है। और अगर 140 से अबव है, से अधिक है मतलब, ठीक है, तो वो जो है वो प्रतिभावान बालक कहलाता है, यानी कि वो जो है एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी भी आप इसे बोल सकते हैं, ठीक है, ज्यादा टैलेंटेड बच्चा जो है वो कहलाता है। तो मतलब ये कहते हैं कि हम इन सब चीजों को क्या कर सकते हैं, मेजर भी कर सकते हैं। क्लियर है इतना सभी को, इंडिविजुअल डिफरेंस क्या होता है वो क्लियर हुआ? यस मैम, यस मैम, यस मैम। ओके ओके, चलिए नेक्स्ट देखिए। नेक्स्ट है अब कि कितने टाइप्स की होती हैं, जो भी आपकी व्यक्तिगत भिन्नताएं होती हैं, इंडिविजुअल डिफरेंसेस जो होते हैं वो उसके टाइप्स की बात करेंगे, ठीक है। फर्स्ट हम कहते हैं फिजिकल वेरिएशन, फिजिकल वेरिएशन का मतलब है शारीरिक भिन्नताएं, ठीक है। उसके बाद सेकंड आपकी आती है मेंटल वेरिएशन, मानसिक विभिन्नताएं, मैं शॉर्ट फॉर्म लिखूंगी हिंदी में, ठीक है। फिर है इमोशनल वेरिएशन, इनको एक्सप्लेन भी करूंगी अभी एक एक करके, लेकिन फिलहाल आप जो है ये लिखिए कि कौन कौन सी होती हैं। इमोशनल वेरिएशन जो है आपकी वो कौन सी होती है, वो होती है संवेगात्मक, संवेगात्मक भिन्नता आपकी, ठीक है। देन नेक्स्ट है आपकी वेरिएशन ऑफ इंटरेस्ट, वेरिएशन ऑफ इंटरेस्ट यानी कि आपकी रुचियों में भिन्नताएं,
एक्सप्लेन करूंगी मैं, ज्यादा बड़ी बड़ी नहीं है एक्सप्लेन करने के लिए ना, छोटे छोटे हैं इसलिए मैं अभी साथ में नहीं कर रही हूँ एक्सप्लेन, मैं चाह रही हूँ कि मैं इनको लिख लूँ पहले। चलिए पांच लिख लेते हैं, पांच एक्सप्लेन कर देती हूँ, उसके बाद पांच नेक्स्ट जो है नेक्स्ट उसमें लिखते हैं, ठीक है। फिफ्थ है आपकी वेरिएशन ऑफ व्यूज, वेरिएशन ऑफ व्यूज यानी कि विचारों में विभिन्नताएं। अब देखिए हमने फर्स्ट कहा फिजिकल वेरिएशन। अगर फिजिकल वेरिएशन की अगर हम बात करें तो शारीरिक विभिन्नता क्या मतलब है कि सभी जो एक जैसे नहीं है, कोई हो सकता है कोई लंबा है कोई छोटा है, ठीक है, कोई बहुत हेल्दी है कोई जो है बहुत ही स्लिम है, तो मतलब उसमें क्या है आपकी अलग अलग जो है विभिन्नताएं पाई जाती है, सभी फिजिकली रूप से जो है एक जैसे नहीं होते हैं, ठीक है। आप 10 लोगों को खड़ा कर देंगे, सभी 10ों के 10ों जो है उनकी अपनी फिजिकल स्ट्रक्चर जो है सभी की अपनी अलग अलग है। इसके बाद है मेंटल वेरिएशन, मेंटल वेरिएशन रिलेटेड है आपके आईक्यू लेवल से, तो मतलब यानी कि आईक्यू लेवल की अगर हम बात करें सभी का आईक्यू लेवल जो है वो क्या होता है अलग अलग होता है, ठीक है। उसके बाद इमोशनल वेरिएशन है, मान लो कोई बच्चा है ए नाम और बी नाम का, ठीक है, दो चाइल्ड है ये, अब ए नाम का चाइल्ड है और ये बी नाम का। अब ए नाम का और बी नाम का बच्चे जो है दोनों जा रहे थे रास्ते में और आगे उनको मिल जाता है सांप, ठीक है, उनको मिल जाता है आगे जाकर के सांप। अब जो सांप मिला तो जो ए वाला बच्चा था वो सांप को देख कर उसने हंसना शुरू कर दिया, और जो बी नाम वाला बच्चा था उसने उसको देख करके क्या हो गया वो एकदम से डर गया, ठीक है। तो मतलब यानी कि दोनों के जो इमोशंस हैं वो अलग अलग थे। कई बार होता है ना कि हम किसी चीज को देख करके कोई बहुत ज्यादा हंसता है और कोई बहुत ज्यादा ही एकदम से शॉक्ड हो जाता है कि ऐसा कैसे हो गया, ठीक है, और दूसरा जो है वो उसी चीज को लेकर के वो हंस रहा है कि अच्छा हो गया होने दो। तो मतलब यानी कि इमोशंस जो है वो भी सभी के अलग अलग है, इमोशनली भी संवेगात्मक रूप से भी आप जो है सभी अलग अलग है। इसके बाद है वेरिएशन ऑफ इंटरेस्ट, तो इंटरेस्ट के बारे में तो आपको बता ही चुकी हूँ कि सबके अपने अपने इंटरेस्ट हो सकते हैं, किसी को डांस पसंद है मैंने कहा, किसी को सिंगिंग पसंद है, किसी को रीडिंग पसंद है। फिर है वेरिएशन ऑफ व्यूज, तो वेरिएशन व्यूज का मतलब है अब देखिए अपने अपने थॉट हो सकते हैं सभी चीजों को लेकर के आपके, ठीक है, अपनी अपनी मॉरल वैल्यूज हो सकती है, अपने अपने जो है अगर हम बात करें कि ये हो सकता है किसी का थॉट जो है ये हो कि जो है मान लो कि पढ़ाई जो है वो बहुत ही जरूरी है, ठीक है, और किसी का ये थॉट है कि नहीं पढ़ाई इतनी जरूरी नहीं है, भी आराम से जीना जो है वो बहुत जरूरी है, ठीक है। तो वो सभी क्या है अपने अपने सभी के अपने अपने व्यूज रहते हैं, इसमें वेरिएशंस पाई जाती है, इसमें भी विभिन्नताएं पाई जाती है। पांचों पॉइंट क्लियर हुए? यस मैम। नेक्स्ट देखते हैं, सिक्स्थ पॉइंट है आपका वेरिएशन ऑफ लर्निंग, वेरिएशन ऑफ लर्निंग मतलब सीखने में विभिन्नता। देन सेवेंथ है आपका वेरिएशन इन डायनामिक एबिलिटीज, वेरिएशन इन डायनामिक एबिलिटीज यानी कि गत्यात्मक योग्यताओं में विभिन्नता। एट्थ है आपका वेरिएशन इन कैरेक्टर्स, यानी कि चरित्र में विभिन्नता। नेक्स्ट है नाइन्थ आपका वेरिएशन इन स्पेसिफिक क्वालिफिकेशन, यानी कि
विशिष्ट योग्यताओं में भिन्नता, इसके बाद है वेरिएशन इन पर्सनैलिटी। ठीक है, यानी कि व्यक्तित्व में विभिन्नता। आप देखिए वेरिएशन इन लर्निंग का मतलब है, वेरिएशन लर्निंग क्या है, सीखने में विभिन्नता। अब लर्निंग जो है वो सभी की अलग अलग होती है, ठीक है। शायद आपने बीएड में जो है कहीं ना कहीं पढ़ रखा होगा, आपने एक इस तरह की डायग्राम्स पढ़ी थी कि लर्निंग कैसी होती है, कर्व में होती है, ठीक है। या तो इस तरह से होती है, मतलब नीचे से ऊपर की ओर जो है आपकी लर्निंग हो रही है, या तो फिर लर्निंग एक स्टेज ऐसी आती है, लर्निंग आपकी इस तरह इस कर्व में हो जाती है, ठीक है। या तो फिर आपकी लर्निंग इस तरह से रहती है कि ऐसे लर्निंग हुई, ऊपर गए थोड़ा सा और फिर डाउनफॉल में आ गए, ठीक है। तो लर्निंग भी जो है, सीखने का जो सभी की तरीका है वो भी सभी का अलग अलग आपका हो सकता है। इसके बाद वेरिएशन इन डायनामिक एबिलिटीज है। अब जो ये डायनामिक एबिलिटीज है आपकी, इसका मतलब है कि सब में जो जितनी भी क्षमताएं हैं वो अलग हैं। हो सकता है कोई डॉक्टर बने, ठीक है, कोई टीचर बनता है, कोई एक्टर बनता है। तो मतलब यानी कि जो भी आपकी डायनामिक एबिलिटीज हैं वो सबकी अलग हैं। इसके बाद है वेरिएशन करेक्टर्स, चरित्र में वो भिन्नता। तो आपने अपने आप को कितने अच्छे से आप जानते हैं, ठीक है, खुद को आप कितना अच्छे से जानते हैं, खुद को जानना वो क्या है, वेरिएशन करेक्टर्स। यानी कि सब जो है अपने अपने रोल जो है प्ले कर रहे हैं इस लाइफ में, तो सभी जो है अपने आप को खुद कितना अच्छे जानते हैं वही आपके लिए एक आपका करेक्टर से रिलेटेड जो है माना जाता है, खुद को खुद के लिए जानना। उसके बाद है वेरिएशन स्पेसिफिक क्वालिफिकेशन। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट यही है, स्पेसिफिक क्वालिफिकेशन। स्पेसिफिक क्वालिफिकेशन का मतलब है, पहले तो ये कॉन्सेप्ट जो दिया है वो किसने दिया है, वो दिया है स्पीयरमैन ने, ठीक है, किसने दिया है, स्पीयरमैन ने दिया है। स्पीयरमैन ने कहा है कि आप में जो है दो तरह के फैक्टर पाए जाते हैं स्पेसिफिक क्वालिफिकेशन के, सॉरी क्वालिफिकेशन के जो है दो तरह के पाए जाते हैं, कौन कौन से, एक स्पेसिफिक और एक जनरल, ठीक है। स्पेसिफिक का मतलब होता है विशिष्ट। अभी ये पूरा एक दिन हम कॉन्सेप्ट पढ़ेंगे तो उसमें देखेंगे, जब भी हम जो है स्पीयरमैन के बारे में पढ़ेंगे तो अच्छे से जो है देखेंगे कि क्या बात कर रहे हैं। चलो आगे ही आ जाएगा इनका कॉन्सेप्ट ना, अभी आ जाएगा इनका, तो मैं इसको डिटेल में आगे करवाती हूँ। फिलहाल इतना देखिए कि दो तरह की उनकी बात कर रखी है, जी फैक्टर और एक एस फैक्टर की, तो मैं अभी बताऊंगी आपको। और ये जो मैं अभी इंडिविजुअल डिफरेंस करवा रही हूँ, यहाँ से क्वेश्चन आता है। इसके बाद है वेरिएशन पर्सनालिटीज। तो सभी के जो है व्यक्तित्व जो है अपना अपना होता है, इसमें कुछ ज्यादा है नहीं। जिसमें ज्यादा वाला बताने वाला था, जैसे स्पेसिफिक वाला, वो मैं आपको पूरा एक्सप्लेन करूंगी, ठीक है। और डायनामिक आपको पता होना चाहिए कि मतलब यानी कि सबकी जो है अपनी योग्यता है, जिसके आधार पे जो है आप कोई डॉक्टर बनता है, कोई टीचर बनता है, कोई एक्टर बनता है, कोई राइटर बनता है, ठीक है। तो वो सभी की जो है अपनी अपनी योग्यताएं हैं। क्लियर है सभी को यहाँ तक? यस मैम। यस मैम। ओके चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट हम बात कर रहे हैं स्पीयरमैन की, ठीक है। जो स्पीयरमैन है उन्होंने जो है फैक्टर की बात कर रखी है। इंपॉर्टेंट है, पूछा जा सकता है, ठीक है, पता होना चाहिए। इन्होंने क्या बोला है, इन्होंने बोला है एक जी फैक्टर होता है और एक एस फैक्टर होता है, ठीक है। दो तरह के फैक्टर है, जी और एस। अब जो जी फैक्टर है ये मानते हैं कि ज्यादातर जो जितने भी लोग हैं, ठीक है, जितने भी लोग हैं सभी में क्या होता है, इक्वल ही रहता है, सामान्य रूप से रहता है, ठीक है। जी वाला फैक्टर सभी में होता है सेम। जैसे फॉर एग्जाम्पल हंसना, सभी एक जैसे ही हंसते हैं, ठीक है। चलना, सभी जो है एक जैसा ही चलते हैं।
बोलना, बोलना भी सभी का जो है सेम ही रहता है, ठीक है, खाना, ये सब चीजें जो है क्या रहती है, सेम रहती है, ज्यादातर ये सभी जो है इक्वल ही रहता है या सामान्य रूप से रहता है, हम इसे कह सकते हैं कि ये सभी में एक ही जैसा होता है, ये सबको जो है क्या होता है, जन्म जाति होता है, मतलब बर्थ के टाइम से ही जो है हमें ये मिल जाता है। अब ऐसा नहीं है कि चलना भी सभी एक तरह से चलते, भी टांगों से चल रहे, पैरों से तो कोई नहीं चल रहा ना, है ना, बहुत ही रेयर केस ऐसा कुछ होगा कि अगर कुछ हो गया इंसिडेंट तब। और यार खाना जो है सभी मुंह से ही खाते हैं खाना, ठीक है, तो ये भी क्या है आपको, ये बाय बर्थ ही आपको ऐसी चीजें मिली है, तो मतलब सभी में क्या होता है, ये सामान्य होता है। लेकिन लेकिन जो आपका एस फैक्टर है, एस फैक्टर का मतलब है स्पेसिफिक, और जी का मतलब था जनरल, ठीक है, जनरल, और एस का मतलब है स्पेसिफिक। अब जिस इंसान का जी फैक्टर जितना ज्यादा स्ट्रोंग है, ठीक है, स्पीयरमैन कहते हैं कि जिसका जी फैक्टर जितना ज्यादा स्ट्रोंग है, एस फैक्टर उसका उतना ही ज्यादा स्ट्रोंग होता है। पहली बात कि जो एस फैक्टर है वो होता क्या है, तो एस फैक्टर होता है जो आपको एनवायरमेंट के अकॉर्डिंग जो है डिवेल्प होता है, ठीक है। इसकी अगर हम बात करें कि स्पेसिफिक जो है उसका विकास कैसे होगा, विशिष्ट जो आपका फैक्टर है उसका विकास कैसे होगा, तो वो अपने आप ही डिवेल्प होता है एनवायरमेंट के अकॉर्डिंग, ठीक है। तो जिसका जी फैक्टर जितना ज्यादा स्ट्रोंग होता है उसका एस फैक्टर भी उतना ही ज्यादा स्ट्रोंग होगा, ठीक है, जितना जी होगा उतना ही एस फैक्टर भी स्ट्रोंग होगा। क्लियर है सभी को? यस मैम। बस क्योंकि बहुत बार क्वेश्चन यहां से आया हुआ है कि जी फैक्टर पूछ लेते हैं या तो एस फैक्टर पूछ लेते हैं या फिर पूछ लेते हैं कि किसने दिया है कॉन्सेप्ट, तो आपको पता होना चाहिए कि स्पेसिफिक और जनरल फैक्टर जो है वो किसने दे रखे हैं। चलिए इसके बाद है नेक्स्ट, कार जी जुंग, जो भी आप इसे कहते हैं, जे यू एन जी, ठीक है, जुंग ही कहते हैं मे बी इसको। तो इन्होंने क्या कर रखा है, इन्होंने क्लासिफाइड कर रखा है पीपल्स को, ठीक है, क्या कर रखा है, इन्होंने जो है क्लासिफाइड कर रखा है लोगों को, मतलब वर्गीकृत कर रखा है पीपल इनटू कितनी कैटेगरीज में, थ्री ग्रुप में। इन्होंने तीन टाइप के ग्रुप बता रखे हैं कि लोगों के जो है तीन टाइप के ग्रुप होते हैं। और ये भी क्वेश्चन वेरी इंपॉर्टेंट पूछा गया बहुत बार, पिछले क्वेश्चन पेपर देख लेना, जुंग है इनका नाम, ठीक है, तीन तरह के बता रखे हैं। फर्स्ट बता रखे हैं इंट्रोवर्ट, सेकंड बता रखे हैं एक्सट्रोवर्ट, और थर्ड बता रखे हैं एम्बिवर्ट्स। इंट्रोवर्ट का मतलब है अंतर्मुखी, एक्सट्रोवर्ट का मतलब है बहिर्मुखी, और एम्बिवर्ट का मतलब है अभिमुखी, ठीक है। अब इंट्रोवर्ट कौन से होते हैं, इन्होंने कहा कि तीन टाइप के लोग रहते हैं, तीन ग्रुप में बांट दिया इन्होंने। इंट्रोवर्ट कौन से होते हैं, जो थोड़े शर्मीले टाइप के होते हैं, अभी कहीं भी कोई भी काम करना तो उनको शर्म पहले आ जाती है, ठीक है, वो जा ही नहीं पाते स्टेज पे भी, उनको जाने को बोलेंगे शर्म आएंगे, कहीं कहीं जाना हो अगर एज अ गेस्ट भी जाना तब भी शर्म आएगी, कोई घर में आ गया तब भी शर्म आ रही है, तो मतलब वो कौन से हैं, वो इंट्रोवर्ड होते हैं। तो कार्ल जी जुंग कहते हैं कि कुछ लोग जो है वो इंट्रोवर्ड होते हैं और कुछ एक्सट्रोवर्ड। अब एक्सट्रोवर्ड जो है वो कौन से हैं, जो बहुत बातचीत करते हैं, या फिर उनका जो सोशल इंटरेक्शन है वो अच्छा है, तो अब आप खुद 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 को जो है देख लो कि आप किस में आते हैं, ठीक है। तो सोशल इंटरेक्शन जिनका अच्छा है, मतलब अच्छे से जो है समाज में एकदम से घुल मिल जाते हैं, तो वो जो है आपके एक्सट्रोवर्ट हैं। और एम्बिवर्ट्स कौन से होते हैं, जो मीडियम टाइप के होते हैं,
माध्यम, मतलब ना तो वो ज्यादा शर्माते हैं और ना ही ज्यादा सोसाइटी के साथ इंटरेक्ट होते हैं, मीडियम टाइप के रहते हैं। ठीक है, तो ये क्वेश्चन पूछा गया था एक बार, ठीक है, एक बार नहीं, मुझे लग रहा है शायद 2-3 बार आया हुआ ये क्वेश्चन। एक बार तो डायरेक्ट ये आया था कि किसने कॉन्सेप्ट दिया है, और एक बार ये आया था कि इसका मतलब क्या होता है। जैसे एक्सट्रोवर्ट दिया होगा, मतलब ऐसे दिया होगा कि बहुत बातचीत करने वाले जो बच्चे हैं वो समाज में जो है वो किस तरह के ग्रुप में आते हैं। ठीक है, तो पता होना चाहिए कि वो एक्सट्रोवर्ट में आते हैं। तो 3 टाइप जो है वो इम्पोर्टेंट है। क्लियर है यहाँ तक? मैम सेकंड करवा दो रिपीट दोबारा। सेकंड मैंने कहा कि एक्सट्रोवर्ट है, एक्सट्रोवर्ट का मतलब होता जो बहुत बातचीत करता है, ठीक है, या फिर जिसका समाज के साथ जो है बहुत ही अच्छा इंटरेक्शन है, यानी कि बहुत अच्छे से वो समाज में घुल मिल जाता है जल्दी से जल्दी, तो वो आपका आता है एक्सट्रोवर्ट में। आप क्लियर है? यस मैम। ओके, इसके बाद आती है आपकी ट्विन्स स्टडी। तो ट्विन्स स्टडी वाला जो है वो अलग से ही करेंगे हम, क्योंकि जब हम एनवायरमेंट और हेरिडिटी के बारे में पढ़ेंगे तो उसको डिटेल में देख लेंगे। ठीक है, तो इसके बाद आपकी आती है इम्पैक्ट ऑन एजुकेशन, की जो इंडिविजुअल डिफरेंसेस होते हैं उसका शिक्षा पे क्या प्रभाव पड़ता है। इम्पैक्ट ऑन एजुकेशन, ठीक है, इंडिविजुअल डिफरेंसेस का जो है आपकी शिक्षा पे क्या प्रभाव पड़ता है। तो फर्स्ट है आपका करिकुलम, यानी कि पाठ्यक्रम। अच्छा, जब भी हम बात करते हैं कि अगर इंडिविजुअल डिफरेंसेस हैं, तो सबसे पहले जो है जब भी बच्चे के लिए जो भी आपका पाठ्यक्रम बनाया जाना है, जो भी करिकुलम बनाया जाएगा, वो कैसे बनाया जाएगा, उनके इंडिविजुअल डिफरेंसेस को ध्यान में रखकर ही। ठीक है, ऐसे नहीं है कि भाई बच्चे 2-4 बच्चे क्लास में जो है वो 100 में से जो है 98 ले रहे हैं तो उन्हीं के अकॉर्डिंग बना दो सारा सिलेबस, नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। ठीक है, क्योंकि सभी जरूरी नहीं है कि 98 ही ले, है ना, हो सकता है कोई 40 भी ले, हो सकता है कोई 50 ले, कोई 60 के एवरेज में आ रहा है ना, सभी का अपना अपना जो है IQ लेवल है, सभी जो है इंडिविजुअल डिफरेंसेस है सभी में। तो मतलब जब भी आपका सिलेबस तैयार किया जाता है, करिकुलम क्या होता है, यही होता है कि सिलेबस, ठीक है, तो जब भी वो तैयार किया जाएगा, जो भी कंटेंट बनाया जाना है उसके अंदर, वो सब जो है आप बच्चों के इंडिविजुअल डिफरेंसेस को ध्यान में रखकर ही बनाया जाता है, पहली बात। ठीक है, फर्स्ट इम्पैक्ट यही पड़ता है एजुकेशन पे। सेकंड इम्पैक्ट की अगर हम बात करें, तो सेकंड इम्पैक्ट जो है वो है मेथड ऑफ टीचिंग। मेथड ऑफ टीचिंग, यानी कि जब भी आप क्लास में पढ़ाने जाओगे या पढ़ाने जाते हैं, अब आपको 40 बच्चों की क्लास मिली है, ठीक है, कितने चिल्ड्रन है, 40 है। अब आपको क्या करना होगा, ऐसा तो है नहीं कि आपने एक दो देख के देखे, अच्छा उनको अगर ठीक है, उनको बिना लिखाए भी हो रहा है, वो कर ले रहे हैं तो मतलब हो रहा है, नहीं, अगर हो सकता है किसी को हाथ पकड़ के भी लिखवाना पड़ जाए, ठीक है, ऐसा भी हो सकता है, हो सकता है कोई बच्चे जो है बच्चे को 4 बार समझाए जाए तब उसको समझ आए, हो सकता है कोई जो फर्स्ट टाइम एक ही बार में समझा और उसको समझ आ गया, तो मतलब ये नहीं कि जो मैथ ऑफ टीचिंग होगी वो भी अलग अलग तैयार की जाती है, उनको अलग अलग तरह से जो है बच्चों को पढ़ाया जाता है। और ये मैथड ऑफ टीचिंग हम कहाँ सीखते हैं, ये हम सीखते हैं पेडागोजी में, तभी तो आपको क्या सब्जेक्ट है, आपको है चाइल्ड डेवलपमेंट एंड पेडागोजी, CDP का मतलब ये CD और P, पेडागोजी मतलब जिसमें हमें मेथड ऑफ टीचिंग के बारे में हम उसमें सीखते हैं। इसके बाद थर्ड इम्पैक्ट क्या पड़ता है, तो थर्ड इम्पैक्ट जो है एजुकेशन पे वो है एजुकेशनल गाइडेंस। एजुकेशनल
गाइडेंस, ठीक है, यानी कि शैक्षिक मार्गदर्शन, अब गाइडेंस का मतलब है कि जो भी आपके शिक्षक हैं, ठीक है, जो भी आपके जो है, अब देखिए जितने भी आपके पास जितने अंडर आपके स्टूडेंट्स हैं, अब वो क्या करेंगे, उनके सभी के इंडिविजुअल डिफरेंसेस को जो है टीचर क्या करेगा, ध्यान में रखेगा और फिर क्या करेगा, उनका मार्गदर्शन करेगा, उनको गाइडेंस करेगा कि आप जो है ऐसा करो, आप ऐसा अच्छा कर सकते हो, ठीक है। पहले उनके इंडिविजुअल डिफरेंसेस को ध्यान में रखकर ही हम जो है बच्चों को गाइड करते हैं। इसके बाद फोर्थ है आपका वोकेशनल गाइडेंस, वोकेशनल गाइडेंस मतलब व्यवसायिक मार्गदर्शन। तो हम क्या करते हैं, हम बच्चों को जो है इस तरह से स्टडी करवाते हैं कि कल को वो जो है अपना अपना जो है रहन सहन भी अच्छे से कर सके। मतलब हम उन्हें कुछ ऐसे वोकेशनल कोर्सेज करवाते हैं, उन्हें गाइड करते हैं कि आप जो है इस तरह से काम कर सकते हैं ताकि आने वाले टाइम के लिए जो है आप इंडिपेंडेंट हो सके, ठीक है। तो वो सब चीजें जो है हम कैसे करते हैं, इंडिविजुअल डिफरेंसेस को ध्यान में रखकर ही करते हैं। तो ये सारा कॉन्सेप्ट जो था ये था आपका इंडिविजुअल डिफरेंसेस। आपने बी एड में सभी ने शायद फर्स्ट सेमेस्टर में थर्ड या फोर्थ चैप्टर जो है इंडिविजुअल डिफरेंसेस ही पढ़ रखा है, लेकिन वो वहां पे आपने थोड़ा सा एग्जाम पास करने के लिए पढ़ा था और इस वे में नहीं पढ़ा था कि आपको जो है कॉम्पिटेटिव के लिए भी कल को काम आए। क्योंकि मैंने ज्यादातर ये देखी है चीजें, जब भी हम बी एड कॉलेजेस में पढ़ने के लिए जाते हैं तो वहां हमें सिर्फ वैसे बताते हैं जो पॉइंट टू पॉइंट, यानी कि किताब जो होती है ना, रेखा मॉडल हो गए या कौन से जो भी मॉडल है, बस वो टीचर भी ऐसे ही पढ़ाते हैं। मतलब वो बस पॉइंट लिखा देंगे और कॉन्सेप्ट क्लियर करने की ना कोशिश नहीं करेंगे। अब मुझे नहीं पता वो ऐसा क्यों करते हैं, लेकिन मुझे लगता है अगर हमें ये बीएड में ही सारी चीजें करवा दी जाएं, क्योंकि सिलेबस तो वही है, है ना। इवन सिलेबस की अगर मैं बात करूं तो इलेवेंथ और ट्वेल्थ की है ये। अगर कोई जो है किसी ने साइकोलॉजी पढ़ी होगी इलेवेंथ और ट्वेल्थ में तो वही सिलेबस है। तो वो जो है अगर वही हुई हमें करवा दे तो मुझे लगता है हमारा तो टैट ऐसे ही निकल जाए, है ना। तो ये सब चीजें जो है थोड़ा सा, हो सकता है आप में से भी कोई एमएड वाले हो तो कल को आपने भी कॉलेज में पढ़ाना हो, तो थोड़ा सा इन चीजों का ध्यान रखें कि वहीं पे कॉलेज में ही बच्चों को करवा दे फर्स्ट सेमेस्टर से ही। बाकी पास होने के तो क्या, पास तो कोई भी हो ही लेता है एग्जाम में, ये रियल फैक्ट है। चलिए, तो क्लियर है सभी को ये कॉन्सेप्ट? यस मैम, अच्छा वोकेशनल मैंने कहा कि जितनी भी, जैसे हम बच्चों को क्या करते हैं, हम वोकेशनल कोर्सेज करवाते हैं जिससे वो कल को जो है अपने व्यवसाय से रिलेटेड, ठीक है, अपने व्यवसाय से रिलेटेड चीजों को कर सके, यानी कि उसका हम मार्गदर्शन करते हैं कि तुम जो है इस फील्ड में अच्छा कर सकते हो, ठीक है, आपको जो है ये कर लेना चाहिए, ऐसा नहीं ये वाला कोर्स करो। तो मतलब यानी कि हम उसके इंटरेस्ट को जान के या फिर उसके जितने भी इंटरेस्ट को ही जान के जो हम बच्चों को ज्यादातर गाइड करते हैं। हम बोलते हैं ना प्लस टू के बाद बच्चों को कि अच्छा आपको ना ये कर लेना चाहिए। मान लो कि कोई बहुत अच्छे से चीजों को डिफाइन कर रहा है, बहुत अच्छे से प्रेजेंट कर रहा है, तो हम कहते हैं कि आप ना LLB कर लो, है ना। मतलब हमने कैसे किया उसको गाइड, हमने उसके जो है इंटरेस्ट को देखा, हमने उसके जो है उसको एनालाइज किया, फिर हमने उसे डिसाइड किया कि ये ना लॉयर बहुत अच्छा बन सकता है, ठीक है, बहुत अच्छे से चीजों को डिफाइन कर रहा है, बहुत अच्छे से बता रहा है, कोई बहुत अच्छा लेक्चर दे रहा है मान लो, तो हम उसे कहते हैं कि बहुत अच्छा भाषण दे रहा होता है। जैसे बहुत से बच्चे ऐसे भी होते हैं जो स्कूल टाइम से ही ना बहुत अच्छे जबरदस्त वाले भाषण देते हैं, तो हम कहेंगे ये बड़ा होकर पक्का नेता ही बनेगा, ठीक है। तो मतलब हम प्रेडिक्शंस लगाते हैं, फिर हम उसे गाइड करते हैं, हम बार बार उसे बोलेंगे कि तुम बोलो जाके स्टेज पे, तो मतलब कहीं ना कहीं हम उसे वोकेशनली भी गाइडेंस दे रहे हैं। क्लियर है आप सभी को? Yes, ओके।
इसके बाद हिस्ट्री की क्लास होगी अभी आपकी, ठीक है, आज होगी अभी क्लास और 9 बजे करते हैं क्लास। मैम कल टेस्ट होगा? हाँ बिल्कुल होगा। ठीक है मैम।